हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर एट ऑफ जी एस टी एंड वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जी एस टी वी हैव कवर्ड द थ्री इंपॉर्टेंट लेवल्स इन दिस पार्ट द फर्स्ट लेवल वॉज इमूबल प्रॉपर्टी द सेकेंड वॉज द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द थर्ड इज द कमर्शियल कोचिंग तो तीन चीजें हमने कंप्लीट कर ली है तो थोड़ा सा एक रिविजन कर लेंगे रिविजन के लिए एक कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें ये तीनों लेवल्स होंगे ताकि जो पिछली चीजें हमने पढ़ी थी वो आपको थोड़ा सा रिवाइज हो सके बिकॉज सिंस वी आर लर्निंग ऑल दी पॉइंट्स रिलेटेड टू दी ऑफ कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी वी शुड बी कम्फर्टेबल विद द प्रीवियस पॉइंट्स ऑल्सो बिकॉज लास्ट में तो आपको कंबाइंड क्वेश्चन ही पूछा जाएगा जिसमें आपको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए जो अब तक हमने सॉल्व किया है तो so, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं तो दिस इज द कंबाइंड क्वेश्चन ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट लेवल्स इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कवर है फिर हमारा सेकेंड पार्ट फिनेंशियल सर्विसेज भी कवर है और थर्ड हमारा पार्ट कमर्शियल कोचिंग वाला भी इसमें कवर होगा तो टोटल ग्यारह पॉइंट्स है हमारे पास कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस एज वेल एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेएबल देयर ऑन एट द रेट एटीन परसेंट तो जीएसटी भी कैलकुलेट करना है ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स वन टू थ्री फोर टोटल इलेवन पॉइंट्स हमको दिए हैं चलो एक एक पॉइंट फॉर्मेट में ही डिस्कस कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए पॉइंट नंबर फर्स्ट होटल रूम डिक्लेयर्ड टैरिफ एट द रेट रुपीज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो हमने क्या सीखा था अगर वन थाउजेंड से ज्यादा अगर चार्जेस रहेंगे या टैरिफ रहेगा तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या बनेगा पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल बनेगा और अगर वन थाउजेंड से कम के टैरिफ रहेंगे तो वो नॉन टैक्सेबल बनेगा तो दिस इज फ्रॉम दी पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होप आपका रिविजन इसमें से हुआ है रिसीड्स रिसिव फ्रॉम फैक्ट्री बिल्डिंग अगेन इट इज टैक्सेबल कमर्शियल एक्टिविटी है तो थ्री लैख टैक्सेबल हो जाएगा नेक्स्ट इज रेंट रिसिव फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस तो रेसिडेंशियल हाउस मैंने आपको बताया था कि रेसिडेंशियल हाउस जो रहेगा वो क्या बनेगा नॉन टैक्सेबल और कमर्शियल एक्टिविटी क्या बनेगी टैक्सेबल नेक्स्ट इज बिल्डिंग लेट आउट टू प्राइवेट हॉस्पिटल तो ये क्या बनेगा टैक्सेबल तो फाइव लैक्स आपका होगा टैक्सेबल नेक्स्ट इज वेकेंट लैंड यूज फॉर फ्लोरिकल्चर तो मैंने आपको क्या बताया था एनिमल हजबेंड्री हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर तो ए एच एफ तीन चीजें याद रख लो एनिमल हजबेंड्री हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर तीनों के केस में एक्ज होगा कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा नॉन टैक्सेबल बन जाएगा नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन इट इज फ्रॉम द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज तो अगेन इट इज नॉन टैक्सेबल यहाँ पे आ जाएगा सिक्स लैक्स नॉन टैक्सेबल नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट तो ये भी हमने सीखा था अगेन ये क्या बनेगा ये भी आपका नॉन टैक्सेबल बन जाएगा तो दिस विल आल्सो बी नॉन टैक्सेबल सेल एंड परचेज ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट तो फर्दर आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे लोन प्रोसेसिंग फीस चार तो लोन प्रोसेसिंग फी क्या है टैक्सेबल बनेगा सिक्स लाख नेक्स्ट इज रिसीट्स फ्रॉम कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट तो कमर्शियल कोचिंग क्या बनेगा इट विल बी टैक्सेबल तो ये बन जाएगा टैक्सेबल नेक्स्ट इज रिसीट्स फ्रॉम ट्रेनिंग रिलेटिंग टू कल्चर तो हमने पढ़ा था रिलेटिंग टू कल्चर अगर रहा हॉबी क्लासेस रहे तो वो क्या बनता है दैट विल बी एग्जेप्टेड नॉन टैक्सेबल कोचिंग इन डिफरेंट गेम्स तो दिस इज आल्सो नॉन टैक्सेबल फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड हमारे लिए नॉन टैक्सेबल होगा अब काफी सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट करना है आपको तो सबसे पहले हम टैक्सेबल का टोटल करेंगे नॉन टैक्सेबल की टोटल की कोई जरूरत नहीं है सिक्स लाख प्लस थ्री लैक्स यहाँ पे बनता है नाइन लैक्स नाइन लैक्स प्लस टू लैक्स इज इलेवन लैक्स इलेवन लैक्स प्लस फाइव लैक्स इज सिक्सटीन लैक्सिक्सटीन लैक्स प्लस थ्री लैक्स इज नाइनटीन लैक्स तो द टोटल वी आर गेटिंग इन द टैक्सेबल कॉलम इज नाइनटीन लैक्स इस टोटल को क्या नाम देंगे हम दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है जीएसटी कैलकुलेट करना है कितना परसेंट क्वेश्चन में दिया था इट्स एटीन परसेंट गिवन इन द क्वेश्चन सो एटीन परसेंट के लिए हम क्या करेंगे जी हमारा कितना परसेंट होगा फिर सी हमारा होगा एट द रेट नाइन परसेंट और सिमिलरली एसजीएसटी होगा हमारा एट द रेट नाइन परसेंट तो हमें करना क्या है नाइनटीन ,00 जो हमको टोटल मिला उसका नाइन परसेंट कैलकुलेट करना है तो वी विल बी गेटिंग ए आंसर ऑफ वन लैख सेवेंटी वन थाउजेंड एस सी जी एस टी वन लैख सेवेंटी वन थाउजेंड एस एस जी एस टी इन दोनों को प्लस करो वन लैख सेवेंटी वन और वन लैख सेवेंटी वन तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा थ्री लैख फोर्टी टू थाउजेंड दैट इज द टोटल ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी तो दैट विल बी कॉल्ड एज टोटल जीएसटी पेएबल तो ये आपको एक्स्ट्रा चीज है जो सॉल्व करनी है कभी कभी क्वेश्चन में जीएसटी पेएबल भी कैलकुलेशन पूछते हैं तो वेन एवर इट इज आस्क जस्ट चेक द रेट अकॉर्डिंगली और उसके बेसिस पे उसके हाफ ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड कर लो सी जी एस टी विल बी नाइन परसेंट एस जी एस टी विल बी नाइन परसेंट अगर एटीन परसेंट दिया है तो अगर फाइव परसेंट दिया है तो इट विल बी टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव तो दैट वाज़ द कम्बाइंड क्वेश्चन आई होप कि आपके पिछले तीनों पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे वो रिवाइज हुए हैं अगले लेक्चर में नए सर्विसेज के साथ मिलेंगे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर